हेलो दोस्तों, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, आप मुझसे कई सारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स के जुड़ सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और हमारी अपनी वेबसाइट। ये सब माध्यमों के जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हो। जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर दिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, एम्बेडेड सिस्टम, डीटीपी, ग्राफिक डिजाइनिंग, एडवांस एक्सेल जैसे कई सारे कोर्सेज हैं। और भी नए नए कोर्सेज हम लोग लाने वाले हैं। ये सब कोर्सेज करने के लिए आपको मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, जिसके जरिए आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड। अगर आपको कोई भी अधिक जानकारी चाहिए ऑनलाइन कोर्सेज के रिलेटेड, तो नीचे दिए नंबर के आप व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज लिख दीजिए, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आपने देखा स्टार्टिंग में कि मैंने फूक मारने पर वो जो लाइट है वो बंद हो गया, और या ताली बजाने या चुटकी बजाने पर लाइट बंद हो गया। तो ये कैसे काम करता है और ये चीज़ क्या है, वो पहले हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं। हालांकि हम लोग ने उसका नाम दिया इलेक्ट्रॉनिक कैंडल। जैसे कि आप समझो, आप घर पे किसी की बर्थडे है तो केक वगैरह लाते हो, कैंडल्स लगाते हो, जलाने के लिए आप माचिस का प्रयोग करते हो, लेकिन बुझाने के लिए क्या करते हो, फूक मारते हो, राइट। ये तो हो गया कैंडल की बात, यानी कि मोमबत्ती की बात। लेकिन यही चीज़ अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के जरिए कंट्रोल किया जाए तो कैसे? तो देखो, इसमें होता यूँ है कि हम लोग ने जब बटन प्रेस किया तो एक लाइट ग्लो हो गई, और हम लोग ने फूक मारा लाइट के नीचे तो ऑटोमेटिकली वो लाइट बंद हो गई। यानी हम लोग ने एक सेंसर एक माइक्रोफोन सेंसर बनाया हुआ है, जिसकी वजह से लाइट को बुझाने का काम किया गया। ये बहुत ही आसान प्रोजेक्ट है, आप घर पे ट्राई कीजिए। मैं आपको इस वीडियो के अंत तक बता दूंगा कि किस प्रकार से पूरी सर्किट बनाई जाती है, इसके सर्किट डायग्राम कैसे है, इसके लिए कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी, कहाँ पे मिलेगा, और हर चीज़ मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है। तो अंत तक ये वीडियो को ज़रूर देखना, और वीडियो देखने के बाद आप घर पर इसको ज़रूर कोशिश करना। साथ ही साथ, ये तो खाली एक मैंने इलेक्ट्रॉनिक कैंडल का स्वरूप दिया है, आप चाहे तो बड़े बड़े मशीन्स को भी आप आपके फूक के जरिए, चुटकी के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। वो दिमाग आपको खुद को लगाना है। तो इस वीडियो में देखो, समझो और आप खुद घर पे कोशिश करिए। चले, टाइम वेस्ट ना करते हो, वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए निकेत शाह प्लस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए। तो जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कैंडल का प्रोजेक्ट का वर्किंग देखा, अभी मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो सर्किट है वो बहुत ही पॉपुलर आईसी NE555 यानी कि 555 टाइमर आईसी के बेस के ऊपर है। इसको 555 आईसी को हम लोग ने बाय स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के जैसे यूज़ किया हुआ है। इसका कॉन्सेप्ट ये है, ये उसका सर्किट डायग्राम है। हालांकि 555 आईसी के जो अलग अलग पिन्स रहते हैं, ये 8 पिन्स रहता है, और 8 पिन की अगर मैं बात करूँ तो पहला नंबर ग्राउंड है, फिर ट्रिगर है, फिर आउटपुट है, रीसेट है, फिर काउंटर है, थ्रेशोल्ड है, और डिस्चार्ज है, और VCC है। इसमें से 7 नंबर और 5 नंबर का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, बाकी सब पिंस का हमारा इस्तेमाल है। तो सर्किट डायग्राम इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि जैसे ही आप इनपुट देते हो तो ये ट्रांजिस्टर की मदद से जो इनपुट जो है वो ट्रिगर को चले जाता है, और ट्रिगर के साथ साथ में यहाँ पे थ्रेशोल्ड के पास भी आ जाता है। थ्रेशोल्ड पे लेकिन कभी आएगा, जब भी आप यहाँ पे बटन दबाओगे, ये हमारा स्विच है। जैसे ही आप स्विच प्रेस करोगे तो स्विच प्रेस करने पर थ्रेशोल्ड और ट्रिगर एक दूसरे को आउटपुट देता है, जिसकी वजह से आउटपुट जो है वो बाहर निकल के हमारी 5mm की जो LED है उसको ग्लो करता है, और ये 5 LED ग्लो करने के बाद ये सर्किट जो है पूरी तरह से चालू हो जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि बंद कैसे होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि फूक मारने पर बंद हो जाता है, तो यहाँ पे लगा हुआ एक माइक, ये माइक क्या करता है, माइक के साथ में जो है सीरीज़ में मैंने एक 10K का रजिस्टर लगा हुआ है। माइक के अंदर जैसे ही कुछ हरकतें होती है, जैसे कि मैंने फूक मारा या ताली बजाई, तो जो आवाज़ आता है तो एक छोटा सा वाइब्रेशन पैदा करता है, जो कि एक वोल्टेज के स्वरूप में बाहर निकलता है, और ये वोल्टेज जो रहता है 10K के रजिस्टर में साथ में मिल के इस कैपेसिटर के पास जाता है। कैपेसिटर वो वोल्टेज को ट्रिगर करता है, महसूस करता है, और उसकी थोड़ी सी हल्की फ्रिक्वेंसी बढ़ा के हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसके बेस पे देता है। हालांकि इसका बेस ऑलरेडी 2.2 mA यानी कि 2.2 मिली ओम्स के साथ में, और साथ में 100K का दो रजिस्टर के साथ में ऑलरेडी इसका जो बेस जुड़ा हुआ रहता है, और जैसे ही हल्का सा उसको अगर वोल्टेज महसूस होता है तो तुरंत ये वोल्टेज ग्राउंड हो जाएगा, और ग्राउंड मतलब ये जो वोल्टेज वो ड्रॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ट्रांजिस्टर वर्किंग करना बंद कर देगा। और जैसे ही ट्रांजिस्टर वर्किंग करना बंद होगा, ट्रिगरिंग और ये थ्रेशोल्ड बंद हो जाएगा, और हमारी जो LED है वो ग्लो करना बंद कर देगी। तो ये उसके पीछे का लॉजिकल सर्किट है। सर्किट जो हालांकि इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें ये सब कंपोनेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं, और इसमें इस तरीके से उसका सर्किट डायग्राम होने वाला है। अब इसमें जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है वो इतने कंपोनेंट्स है, जैसे कि 1 kΩ का एक रजिस्टर लगेगा, 10K का एक तीन रजिस्टर्स लगने वाले हैं, 100K का एक रजिस्टर, 2.2 MΩ का एक रजिस्टर,
एक 555 आईसी, BC541 का एक ट्रांजिस्टर, कंडेंसर माइक, 4-पिन जो बटन रहता है वो, एक 100 NF का सिरामिक कैपेसिटर, फिर आपको 9 वोल्ट की बैटरी लगेगी, 9 वोल्ट का बैटरी स्नैपर लगेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, ये वीडियो को JLC PCB ने स्पॉन्सर किया हुआ है, जहाँ पे आप आपके PCBs, चाहे 2 लेयर, 4 लेयर, 6 लेयर, MTB असेंबली रहेगा या SMT स्केल PCBs रहेगा, कोई भी प्रकार के PCBs को केवल $2 की कीमत पे आप पा सकते हो। केवल आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे साइज़ डालनी है, कितने लेयर का डालना है, कितना थिकनेस चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, वो डिटेल्स डालिए। और डिटेल्स डालने पर आपको इस पेज पे आ जाएगा, यहाँ पे ऐड ग्रैबर फाइल जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपकी ग्रैबर फाइल को इंस्टॉल कीजिए। और यहाँ पे कितने लेयर का चाहिए, कौन से कलर का चाहिए, अलग अलग कलर का भी कोई अलग अलग चार्ज नहीं है। और बस ये सिलेक्ट करने के बाद आप ऐड टू कार्ट करके पेमेंट कर दीजिए। विद इन एक हफ्ते के अंदर आपके घर पे PCB आ जाएगा, वो भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के और केवल $2 के अंदर। बहुत ही सस्ता प्राइस है दोस्तों। तो JLC PCB काफ़ी बढ़िया है, मैंने भी काफ़ी सारे जो मेरे PCBs है वो JLC PCB के जरिए ही डिज़ाइन करवाया है। दोस्तों ये सब चीज़ें मैंने मंगा ली है, अब इन सब चीज़ों को एक एक करके देखते हैं और कहाँ पर लगाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो है हमारा 555 PIC, तो ये 555 PIC जो है हमारा इस जगह पे बैठेगा, जैसे कि आपको PCB में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे खाली देखने जैसी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो नॉच है, यहाँ पे आपको दिख रहा है नॉच, ये आपको इधर आनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हमें इसको असेंबल्ड करना है। इसके बाद यहाँ पे 10K के 3 रजिस्टर्स है, जो कि ये 3 यहाँ पे दिखाई दे रहे, मैंने अलग अलग खाँचे बनाए हुए, वहाँ पे आपको 10K के रजिस्टर बिठाने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको 100K का रजिस्टर बिठाना है, एग्जैक्ट उसके ऊपर 2.2 MΩ का रजिस्टर बैठेगा, जो कि ग्रीन कलर में आपको जैसे नज़र आ रहा है। इसके बाद में 1K का जो रजिस्टर है आपको यहाँ पे बैठेगा। याद रखें कि 1K और 10K में खाली ऑरेंज और रेड कलर में ही डिफरेंस है, तो ये बहुत ही ध्यान से आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद आपको 5 mm की LED लाइट जो है इसमें प्लस और माइनस देख के लगाना है। आपका जो ये लंबा पिन जो दिखाई दे रहा है वो आपका प्लस है, और ये छोटा वाला जो हिस्सा है वो आपका माइनस है। ये बिठाने के बाद कंडेंसर माइक आपका यहाँ पे बैठेगा, हालांकि कंडेंसर माइक के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नॉचेस है, ये आपका माइनस है और ये वाला हिस्सा प्लस है। तो ये प्लस वाला हिस्सा यहाँ पे बैठेगा, माइनस वाला हिस्सा यहाँ पे बैठेगा, उसको हम लोग कंडेंसर माइक बोलेंगे। तो यहाँ पे जो पुश स्विच है आपका यहाँ पे बैठेगा। उसके बाद में आपको दिख रहा है BC548 जो हमारा ट्रांजिस्टर है 3 पेयर वाला, वो आपको यहाँ पे बिठाना रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि आधी बाजू सर्कल है, तो यहाँ पे सर्कल जो हेड साइड है वो इस साइड में आएगा, फ्लैट साइड इस साइड में आएगा। इस तरीके से BC548 वाला ट्रांजिस्टर बिठाने के बाद आपको हमारा जो सिरेमिक कैपेसिटर है वो इन 2 रजिस्टर के बीच में, यानी कि 2.2 और 100K का जो रजिस्टर है उसके बीच में एग्जैक्टली ये कैपेसिटर बैठने वाला है, सिरेमिक कैपेसिटर। इसके बाद जो एक आखिरी चीज़ रह जाती है हमारा बैटरी स्नैपर। ये बैटरी स्नैपर में 2 वायर है, रेड और ब्लैक, तो यहाँ पर रेड कलर का वायर प्लस में और ब्लैक कलर का माइनस। याद रखें ये सब चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आपको 9 वोल्ट की बैटरी अलग से लगने वाली है, जिसके ज़रिए ये चीज़ें चलने वाली है। तो अभी इस प्रोजेक्ट को पहले हम लोग असेंबल करते थे, असेंबल करने के बाद इसको शोल्डर करेंगे और फिर देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। ओके, तो देखते हैं अभी असेंबल कर। तो जैसे कि दोस्तों मैंने बताया था आपको कि ये कैपेसिटर, LED, ट्रांजिस्टर, हमारा IC, 555, जो पुश बटन, माइक और ये सब रजिस्टर्स, हम लोग अभी क्या करेंगे, सर्किट के अंदर पहले उसका फिटिंग करके लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं मैन्युअली फिट करता हूँ और बाद में हम लोग शोल्डर करेंगे। तो फिटिंग में आपको मैं फास्ट फॉरवर्ड इस वीडियो को लूँगा ताकि आपको समझने में आसानी पड़े। तो चलिए देख लेते। तो दोस्तों जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, मैंने सब चीज़ें यहाँ पे लगा दी, खाली एक बैटरी स्टीपर और माइक लगाना बाकी रह गया। मैं माइक के पीछे जो ये जो आपको लाइनिंग्स वगैरह दिख रही है वहाँ पे ब्लैक कलर का वायर और ये साइड में जो है रेड कलर का वायर लगा दूंगा, और बाद में प्लस की जगह पे रेड और ब्लैक की जगह पे माइनस लगा दूंगा, और बैटरी स्नैपर को यहाँ पे डायरेक्ट शोल्डर कर दूंगा। अभी मैंने यहाँ पे देखो ब्लैक कलर और रेड कलर का मैंने वायर लगा दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, यानी मेरा माइक अभी कंडेंसर माइक जो है रेडी हो गया है, ठीक है। स्नैपर के साथ में कंडेंसर और ये सब चीज़ों को मिक्स करके यहाँ पे शोल्डरिंग कर देता हूँ। ये शोल्डरिंग मैं फास्ट फॉरवर्ड में देता हूँ ताकि हम लोग आपको पूरा प्रैक्टिकल बता पाए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं शोल्डरिंग के साथ में।
अभी जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे पूरा जो है शोल्डरिंग वर्क मैंने खत्म कर लिया। अभी ये एक्स्ट्रा जो बचे हुए लेग्स का क्या करना है, तो उसके लिए अपने पास एक छुपा हथियार जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये नेल कटर है। इस नेल कटर से मैं ये एक्स्ट्रा जो लेग्स है उसको हम लोग कट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले लेग्स को सीधे करते हैं हम लोग और नेल कटर के जरिए उसको कट कर देना है। इस तरह से सभी लेग्स को मैं कट करके फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तब अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरी सर्किट मेरी रेडी हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी स्नैपर है और हमारी एलईडी है। पीछे की तरफ का पूरा शोल्डरिंग का पार्ट है जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा शोल्डर किया है। आपका शोल्डरिंग इतना अच्छा चाहिए कि एक मोती के दाने के जैसे आपको दिखना चाहिए। और आगे की साइड देखेंगे तो जो कंपोनेंट्स हम लोग ने बिठाया है वो सभी यहाँ पे प्रॉपरली बैठ चुके हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे हम लोग बैटरी लगाएंगे 9 वोल्ट की और फिर इसको चालू करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है प्रोजेक्ट पूरा रेडी हो गया है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ऑन करता हूँ। ये देखिए ऑन हो गया है। अभी मैं फूंक मारता हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि मैं फूंक तो आपको दिखाई नहीं देगी, मैं चपटी बजा रहा हूँ। तो देखिए बंद हो गया, वापस ऑन करता हूँ और फूक मारता हूँ, देखो बंद हो गया। तो ये माइक जो है वो एज एन सेंसर काम कर रहा है। माइक के साथ में ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का बेस जो है माइक के साथ में जुड़ा हुआ है। एक बार दोबारा देखिए, मैं इसको ऑन करता हूँ और फूक मारने पर ये बंद हो गया। वापस एक बार देख लीजिए, ओके। तो इस प्रकार से आप कोई भी चीज़ मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैंने एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कैंडल बनाया। आप चाहे तो बड़े बड़े डिवाइसेस को भी इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं आगे रिले वगैरह अटैच करके। तो मेरे हिसाब से ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। और मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग।